हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपना ये जो क्विज सेशन चल रहा है, इसकी एक्सक्रेशन के ऊपर जो क्विज चल रही है वो तीसरी क्विज होगी। एक्सक्रेशन के ऊपर पहली दो क्विज जो है वो हमने कर ली है। अगर आपने उनको सोल्व नहीं किया है तो उनको सोल्व करें। इससे पहले डाइजेशन के ऊपर भी चार क्विज हो चुकी है, ठीक है। तो कुल मिला करके आज ये सातवीं क्विज है अपनी, ठीक है, और एक्सक्रेशन के ऊपर तीसरी क्विज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज का। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका या वाहिनी में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है आपके, या विच ऑफ द ब्लड वेजल इन मेमल्स विच हैव मैक्सिमम यूरिया। तो ऑप्शन है आपके पास, यकृत, धमनी, हिपेटिक आर्टरी, वृक्क सीरा, रीनल वेन, यकृत सीरा, हिपेटिक वेन, वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। तो इनमें से आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा हिपेटिक वेन। यकृत सीरा जो होती है इसमें जनरली यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हमें पता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर में ब्लड लाने वाली जो ब्लड वेजल है उसको हम कहते हैं हिपेटिक आर्टरी यानी यकृत धमनी। और जो ब्लड लेकर वापस जाती है तो यकृत जो है उसके अंदर से जो ब्लड लेकर जाने वाली नलिका है उसको कहते हैं यकृत सीरा। अब ये यकृत सीरा जो ब्लड लेकर जाती है उसके अंदर यकृत द्वारा बना हुआ जो यूरिया होता है वो मिला दिया जाता है। तो हिपेटिक वेन जो होती है, यकृत सीरा जो है, उसके अंदर मैक्सिमम यूरिया होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम यूरिया किसमें होता है तो ध्यान देना, सबसे कम यूरिया जो है वो होता है जनरली रीनल वेन में। वृक्क सीरा जो होती है वो जो जनरली किडनी से ब्लड को वापस लेके जाती है। क्यों? क्योंकि रीनल आर्टरी के द्वारा जब किडनी में ब्लड लाया जाता है तो उस ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को अलग कर दिया जाता है। अब वो फिल्टर हुआ ब्लड जो है वो जनरली किडनी के अंदर से लेकर के जाती है वापस रीनल वेन यानी वृक्क सीरा। इसलिए वृक्क सीरा के अंदर रक्त यूरिया की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। तो मैक्सिमम यूरिया क्वांटिटी जो है वो होती है हिपेटिक वेन में यानी यकृत सीरा में, और मिनिमम यूरिया क्वांटिटी जो है वो होती है रीनल वेन यानी वृक्क सीरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रा में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मेन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन हाइड्रा इज, ऑप्शन है आपके पास, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और ग्वानिन। तो आपको पता है हाइड्रा जो है वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक जलीय प्राणी है, ठीक है, जलीय जीव है। तो जलीय जीवों के द्वारा जनरली जो है अमोनिया का एक्सक्रेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रा जो है इसके अंदर भी जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया जो है वो मैक्सिमम टॉक्सिक होता है और उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र का पीला रंग इनमें से किस पदार्थ के कारण होता है। व्हाई डस या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ यूरिन। तो ऑप्शन है आपके पास, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरोक्रोम। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है वो यूरिन के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो येलो होता है, लाइट येलो कलर होता है। और इस यूरोक्रोम का फॉर्मेशन जो है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से होता है। जब हीमोग्लोबिन जो है वो स्प्लीन के अंदर टूटता है तो उसकी वजह से जो है सामान्यतया बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं, और बिलीरुबिन फिर यूरोबिलिनोजन और स्टार्कोबिलिनोजन में बदलता है, और फिर यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरोक्रोम में बदलता है, और उस यूरोक्रोम के रूप में जो बिलीरुबिन होता है उसको सामान्यतया हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और वो मूत्र के साथ बाहर निकलता है। तो इस यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होगा, पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हेनले लूप का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ हेनले लूप इज। ऑप्शन है आपके पास, जल संरक्षण, रक्त का निस्यंदन, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निष्कासन, वाटर कंजर्वेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके सामने वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। कैसे होता है तो देखो, इसको थोड़ा सा अगर हम डायग्राम के जरिए समझे तो जैसे मान लो ये है नेफ्रोन, ठीक है, ये नेफ्रोन का हो गया बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल से निकलती है आपकी पीसीटी, ठीक है, ये पीसीटी निकल गई। पीसीटी से आगे फिर आ जाता है आपका लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले जो है इसकी ये हो गई डिस्केंडिंग लिंब, और ये जो है आगे ऊपर की ओर जा रही है ये हो गई एस्केंडिंग लिंब, ठीक है। ये डिस्केंडिंग लिंब और एस्केंडिंग लिंब ये फिर आगे आ जाते हैं आपकी डीसीटी, इस प्रकार से, ठीक है, ये डीसीटी, और डीसीटी से आगे फिर जो है आपका आ जाता है
कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां से जो ग्लोमेरुलस ने जो फिल्टर किया है ब्लड को, वो फिल्ट्रेट जो है वो यहां आ गए। ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर ये जैसे ही इस अवरोही भुजा में आते हैं, डिस्केंडिंग लिंब में आते हैं, तो डिस्केंडिंग लिंब जो होती है वो जनरली वाटर जो है उसको बाहर जाने देती है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब होने देती है, लेकिन साल्ट जो है उनको बाहर नहीं जाने देती। तो वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है, तो वाटर क्यों बाहर निकलता है, जनरली वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक तरीके से वाटर का कंजर्वेशन हो रहा है, यहाँ पे जल का संरक्षण हो रहा है। और जैसे जैसे ये वाटर जो है वो बाहर निकलता है तो ये जो आपका फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होता जाता है। फिर जैसे ही ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो ऊपर की ओर बढ़ने पर ये वाली जो लिंब होती है वो जनरली वाटर को बाहर जाने के लिए परमिएबल होती, सॉरी वाटर जो है उसको अंदर आने देती है और साल्ट जो है उसको बाहर जाने देती है। जब वाटर इसके अंदर आता है तो उसकी वजह से ये जो फिल्ट्रेट है वो जनरली डाइल्यूट हो जाता है। तो एक तरीके से ये वाटर जो है उसका कंजर्वेशन करती है, यानी इसकी एक लिंब जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है और दूसरी लिंब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है और साल्ट के लिए परमिएबल होती है। तो देखा जाए तो इसका मेन फंक्शन है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल का संरक्षण करना, यानी एक तरीके से हेनले लूप जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जिसके अंदर आकर के फिल्ट्रेट जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन लगातार बदलती रहती है। ठीक है, जो एस्केंडिंग डिस्केंडिंग लिंब होती है इसमें कंसंट्रेट हो जाता है, और जो एस्केंडिंग लिंब होती है ये तो है आपकी डिस्केंडिंग लिंब यानी अवरोही भुजा, और ये है आपकी एस्केंडिंग लिंब ऊपर की ओर जा रही है, ये है आरोही भुजा, इसके अंदर आकर के जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी तनु हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इसका राइट आंसर, वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पोडोसाइट्स पाई जाती है, पोडोसाइट्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो पोडोसाइट्स जो है या पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है आपके सामने बोमेन संपुट में यानी बोमेन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में और कॉर्टेक्स में, दूरज सम्मिलित नलिका में यानी डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो इसका राइट आंसर होगा बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल्स जो होता है इसके ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, इनको हम कहते हैं पादाणु या पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स जो है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इनके बीच में पाए जाने वाले छिद्र जो होते हैं इनसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजनी अपशिष्ट इनमें से किस पदार्थ के उपापचय से बनते हैं, इन विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस मेटाबोलिज्म नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर फॉर्म्ड। तो ऑप्शन है आपके सामने वसा, फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सभी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ, हाँ ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपके सामने प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जब मेटाबॉलिज्म हो गया तो मेटाबॉलिज्म के, इसके मेटाबॉलिज्म से सामान्यतः यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज का फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन का जब उपापचय होगा तो इसके उपापचय से जो है नाइट्रोजिनस अपशिष्ट का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेफ्रॉन का वह भाग जहां सर्वाधिक चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन टेक प्लेस या मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन आपके पास में केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, दूरज सम्मिलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, समीपस्थ सम्मिलित नलिका, प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीसीटी यानी समीपस्थ सम्मिलित नलिका, प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये एक ऐसा पार्ट है जो बोमेन कैप्सूल के बाद में आता है, जब फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से जो है इस पीसीटी के अंदर आते हैं तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव में मूत्र निष्कासन का सही मार्ग है, राइट पाथ ऑफ यूरिन एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। तो मानव में मूत्र निष्कासन का जो सही मार्ग होगा उसमें ऑप्शन आपको दे रखा है संग्रहण नलिका, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ठीक है, वृक्कशिरा, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, मूत्र नली, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिन ब्लेडर, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है उनको देखा जाए तो रीनल वेन, इसके अलावा यूरेटर यानी रीनल वेन से यूरिन जो है वो यूरेटर में आ जाए, फिर यूरिन ब्लेडर में चला जाए, फिर यूरेथ्रा में आ जाए। इसके अलावा सी में दे रखा है पेल्विस, मेड्यूला, यूरिन ब्लेडर और यूरेथ्रा। डी में दे रखा है आपको कोर्टेक्स यानी वलकुट, मध्यांश, मेड्यूला, मूत्राशय, यूरिन ब्लेडर, मूत्रवाहिनी,
यूरेटर, ठीक है। तो ये आपको जो है कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे मूत्र नली दे रखा है या मूत्रवाहिनी दे रखा है, बात एक ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, संग्रहण नली का मूत्र नली, पहले यूरिन जो है वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है डीसीटी के बाद में जो फिल्ट्रेट है उनको हम कह सकते हैं यूरिन। डीसीटी से ये फिल्ट्रेट आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट जो है जनरली उनको डालती है कैलिक्स के अंदर, ठीक है। जो कैलिक्स होते हैं वैसे तो रीनल पेपिला होते हैं, रीनल पेपिला से फिर कैलिक्स में आता है यूरिन। कैलिक्स जो होते हैं वो जनरली खुलते हैं आपके पेल्विस के अंदर, और पेल्विस जो होता है पेल्विस से फिर यूरिन आता है इसके अंदर आपकी यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जितने ऑप्शन मैंने बताए हैं, जितनी बातें ये बताई है, जितने वर्ड बोले हैं मैंने, वो सारे नहीं आ रहे, इनमें से कुछ को गायब कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है या इसके अंदर आपको जो दे रखे हैं उनको ही आपको सिलेक्ट करना है, यानी चार चार दे रखे हैं। तो इसमें से आपको कलेक्टिंग डक्ट दे रखा है, कलेक्टिंग डक्ट जो है उससे ब्लड आ जाएगा आपकी यूरेटर में, पेल्विस को गायब कर दिया इसमें से, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद में यूरेटर पेल्विस में आता है, पेल्विस से यूरेटर में आता है, ठीक है। लेकिन पेल्विस को गायब कर दिया तो जाहिर सी बात है यूरेटर आ जाएगा, यूरेटर से फिर किस में आ जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से फिर यूरेथ्रा के जरिए ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र का आयतन बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाते हैं, द सब्सटेंस विच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन आर कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने मोनोयूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, नेफ्रोटिक्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी बुक होगा, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, यानी जिनके एक्सेसरी यूज से जो है यूरिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, यानी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मनुष्य जो है वो ज्यादा मात्रा में यूरिन का एक्सक्रेशन करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं डायूरेटिक्स, जैसे चाय, कॉफी, बियर आदि, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी अमोनोटेलिक प्राणियों की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है आपके सामने, ये सामान्यतया जलीय प्राणी है, दीज आर जनरली एक्वाटिक एनिमल, ये अमोनिया का उत्सर्जन गिल्स द्वारा करते हैं, दे एक्सक्रीट अमोनिया बाई गिल्स, इनमें उत्सर्जन की क्रिया विसरण द्वारा होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन दीज एनिमल इज बाई डिफ्यूजन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोई नहीं, ठीक है। देखो अमोनोटेलिक क्या होते हैं, अमोनोटेलिक जनरली उन प्राणियों को कहते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन जो है करने वाले प्राणी सामान्यतया जलीय प्राणी होते हैं, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्सर्जन एक्वाटिक एनिमल यानी जलीय प्राणियों द्वारा ही किया जाता है। सामान्यतया जो जलीय कीट होते हैं, बोनी फिशेज होती हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और ये क्या करते हैं, जो खास तौर से फिशेज जो होती है, जो बोनी फिशेज होती है, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, जो मछलियां होती हैं उनमें गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा क्या करती है, ये वाटर को फोर्सली अपनी बॉडी के अंदर खींचती है, ठीक है। तो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर ये खींचती है तो फिर उसी वाटर को गिल्स के द्वारा बाहर निकालती है, जब ये बाहर निकालती है तो उस स्थिति में साथ में इनके अंदर जो एक्सेस अमोनिया होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से उनके बॉडी के अंदर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर जो वाटर है उसके अंदर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस तरीके से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर अमोनिया जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस प्रोसेस को या ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं जनरली विसरण यानी डिफ्यूजन। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी जो है ये जलीय प्राणी है, ये बिल्कुल सही बात है। अमोनिया का उत्सर्जन गिल्स द्वारा करते हैं, ये भी सही बात है, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, इनमें उत्सर्जन की क्रिया विसरण द्वारा होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। नन ऑफ दी, इसमें क्या पूछा है, कौन सी अमोनोटेलिक प्राणियों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो अमोनोटेलिक प्राणियों की ना हो, सारी की सारी अमोनोटेलिक प्राणियों की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ यूरिन इज, ऑप्शन है अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय, एल्कलाइन, उदासीन, न्यूट्रल, कुछ समय तक अम्लीय तथा बाद में क्षारीय हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्लीय। मूत्र जो है इसका पीएच होता है 6.0, ठीक है, मूत्र का पीएच 6 होता है, इस वजह से इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का सूचक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज इंडिकेशन ऑफ विच डिजीज। ऑप्शन आपके सामने, पीलिया, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं जिसको, मधुमेह है, डायबिटीज उदक में है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके सामने मधुमेह,
ठीक है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जो है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जो है वो कहलाती है ग्लाइकोसूरिया, और इसी को हम कहते हैं मधुमेह, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इसको हम कहते हैं उदकमेह, ये होता है अपने एडीएच हार्मोन की कमी से, और ये होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। पीलिया, जिसके अंदर जो पित्तवर्णक है उनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नामक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण से होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिमेटोयूरिया है। हिमेटोयूरिया इज मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। मूत्र में कीटोन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन। मूत्र में रक्त की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। और मूत्र में जल की अतिरिक्त मात्रा, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन यूरिन। तो इसका राइट आंसर होगा मूत्र में रक्त की उपस्थिति। जहां भी हीम वर्ड आ जाए, हिमेटोयूरिया जो है इसके अंदर हीम आ रहा है, और हीम का मतलब ही होता है ब्लड, हीमोग्लोबिन से आता है, तो इसलिए ये ब्लड। तो हीमेटोयूरिया जो है इसका मतलब होता है जनरली यूरिन, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उस प्रेजेंस, उस स्थिति को हम कहते हैं हीमेटोयूरिया। ये डिजीज है, यदि किडनी के अंदर किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है सामान्यतः यूरिन के साथ या अपनी जो यूरेटर होती है उन उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है तो यूरिन के साथ में ब्लड आने लगता है, उस स्थिति को हम कहते हैं हीमेटोयूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है तो कौन सा अंग सही काम नहीं कर रहा है। इफ यूरिया इज इंक्रीज इन ब्लड देन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट प्रॉपर वर्क, ठीक है, या नॉट प्रॉपर वर्किंग। तो ऑप्शन आपके सामने, फुफ्फुस, लीवर, किडनी, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी, किडनी जो है वो इसका राइट आंसर है। लीवर का काम है यूरिया का फॉर्मेशन, किडनी जो है वो क्या करती है, ब्लड में जो यूरिया होता है उसको फिल्टर करती है। अब अगर किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसका मतलब यूरिया फिल्टर नहीं हो रहा ब्लड से, इसकी वजह से ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। बाकी ये जो लंग्स है, फुफ्फुस, लीवर और स्प्लीन जो है, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिथोक्टोमी है। लिथोक्टोमी इज, ऑप्शन है आपके सामने, शल्य क्रिया द्वारा किडनी हटाना, रिमूवल ऑफ किडनी बाय ऑपरेशन, शल्य क्रिया द्वारा पथरी हटाना, रिमूवल ऑफ स्टोन बाय ऑपरेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, शल्य क्रिया द्वारा आमाशय को हटाना, रिमूवल ऑफ स्टोमक बाय ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके सामने, शल्य क्रिया द्वारा पथरी को हटाना। देखो लीथ वर्ड जो है वो जनरली आता है स्टोन के लिए, और किडनी स्टोन या जो जिस भी किसी पार्ट में स्टोन होती है उसको सामान्यतया अगर ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है, खास तौर से किडनी में जो स्टोन है उसको यदि ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है तो उसको हम कहते हैं लिथोक्टोमी। लीथ का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, ठीक है, और टोमी का मतलब होता है काटना, टोमी, टोमी का मतलब क्या होगा, टू कट, ठीक है। इसके अलावा शल्य क्रिया द्वारा आमाशय को हटाना, यह कहलाता है गैस्ट्रेक्टोमी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, शल्य क्रिया द्वारा पथरी हटाना, ये हो ही गया, शल्य क्रिया द्वारा किडनी हटाना, यह कहलाता है नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। तो ये हो गई आज की आपकी क्विज के 15 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्विज है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपके कोई विचार है, कोई सुझाव है, या कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करूं, ठीक है, और क्विज को सोल्व किया करो, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्विज जो है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।